आप बीती है, जो मैंने 2007 में मेरी पहली फिल्म तुझा मजा संसाराला आणि काय हवं, जिसमें अजय अतुल जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर जिनको स्टेट अवार्ड मिला था, वो फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी। और उस वो फिल्म यहाँ सिटी में नहीं चली थी, बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म थी। और वो फिल्म को मैं टूरिंग टॉकीज लेके गई थी, तभी मैंने फर्स्ट टाइम टूरिंग टॉकीज ये एक अलग दुनिया देखी थी। और मैं बहुत चकित हो गई थी वहाँ पे जाके, और मुझे समझ में नहीं आया था कैसे सर्वाइव करूँ। और मैं वहाँ सीखी कि फ़िल्म को कैसे प्रमोट करना है, फ़िल्म को कैसे चलाना है वहाँ पे। वहाँ के आज भी हमारे गाँव में जो अपने लोग हैं, जो आज भी उस यानी मिट्टी की तरह आज भी उतने ही इनोसेंट है कि वो यानी अगर आप थोड़ा सा लिपस्टिक वपस्टिक लगाओ और बोलो मैं हीरोइन हूँ, और अगर आप दिखने में थोड़ी प्यारी हो, तो वो सचमुच उसको मान लेते हैं, सच मान लेते हैं और आपके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ये सब मैंने किया था, क्योंकि एज अ हीरोइन करके भी मैं इस्टेब्लिश नहीं थी उस वक्त, और मेरी फिल्म मुझे वहाँ चलानी थी। और मुझे ये समझ में आ गया था कि बीन हीरोइन ये फिल्म की, मुझे एज अ हीरोइन उनके सामने आना चाहिए और उन्होंने मुझे पहचाना चाहिए, तो मुझे उसका एडवांटेज मिलेगा। तो फिर मैंने जो कुछ किया वहाँ पे टूरिंग टॉकीज में, वो सारी कहानी है टूरिंग टॉकीज। मैं जब लिख रही थी ना, तो मैं चाह रही थी कि यार मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ और 400 किलोमीटर पे, ज़्यादा नहीं है 300-400 किलोमीटर पे, अगर एक गांव में ऐसा कुछ हो रहा है और ये बॉम्बे में नहीं पता है किसी को, तो मैं जितनी शौक थी, तो मैं चाह रही थी कि ये मेरी ऑडियंस देखे या ये लोग देखे, ये कल्चर लोगों तक पहुँचे। बाद में मुझे इस कल्चर के बारे में एक गंभीर चीज़ पता चली, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि टूरिंग टॉकीज, जो मुझे पहले इसकी हिस्ट्री नहीं पता थी, कि टूरिंग टॉकीज एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री का एक ऐसे पार्ट है जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री आज खड़ी है। पहली बात तो जब मुझे पता चला कि मेरी फिल्म वहाँ पे यानी 290 फिल्म में जो ऑस्कर के लिए जाने वाली है, उसमें मेरी फिल्म है, मुझे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे SMS किए और मैंने इग्नोर किए उसको। मैंने पूरा एक दिन इग्नोर किया, मैं रात भर सोई नहीं और मैं सोच रही थी ये गलती से मुझे फ़ोन आ रहा है। दिस इज़ रियली वेरी बिग जोक फॉर मी। और मुझे एक्चुअली ऐसा लगा इतना बड़ा जोक तो मेरे साथ प्लीज़ कोई मत करो करके, इसलिए मैं इग्नोर कर रही थी कि बॉस नेशनल अवार्ड के लिए जब मैंने भेजी फिल्म, तभी वो थोड़ी यानी कॉर्नर हुई, वो पता नहीं चला उसका क्या हुआ। और तो मुझे वो ऐसे वो सच नहीं लग रहा था। बाद में ना मुझे दूसरे दिन भी कॉन्ग्रेचुलेशन के फोन आ रहे थे और ऐसे आ रहे थे, मैंने बोला सीरियसली कुछ तो हुआ है करके। और जैसे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं ज़्यादा यानी बताया जैसे पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, मैंने यानी कुछ फ्रेंड लोगों को यार वो ज़रा पढ़ो, ज़रा कुछ वेबसाइट पे आया है क्या, ज़रा पहले वहाँ पढ़ो, बाकी किसी का मत सुनो, वो ऑस्कर की वेबसाइट में देखो कि है क्या सचमुच टूरिंग टॉकीज का नाम। तो वो सब उन्होंने पढ़ा, तो मेरे से जो मित्र है यानी सतीश जी, उन्होंने वो पढ़ा और मुझे उन्होंने पूरा डिक्टेट किया हिंदी में, बताया कि ऐसा ऐसा है और 290 फिल्म में टूरिंग टॉकीज का नाम है क्या? हाँ है। तो मैंने बोला अरे बाप रे, मेरा हाँ ड्रीम कम ट्रू। यानी ये यानी जो यानी एक साल से मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैंने फिल्म मेरी गलत बनी है या मुझसे कुछ गलती हुई है, शायद इस हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, मैं शायद 50% परफेक्ट हूँ, 50% नहीं हूँ, या शायद उससे भी कम परफेक्ट हूँ, ऐसा सब मेरा ही खुद के अंदर झगड़ा चल रहा था। और यानी भगवान ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया, यानी समझ में ही नहीं आया मुझे। और यानी अभी भी मुझे एक्सेप्ट यानी मैं अभी भी यानी सदमे में हूँ कि ये हुआ है करके। LA में फिल्म रिलीज़ की, LA में मैंने छोटी सी पब्लिसिटी की, 2 हफ्ते फिल्म रन की और वहाँ से मैंने मेरी फिल्म की एंट्री भेजी। तो अभी मेरी फिल्म वहाँ पे जो सिलेक्ट हुई है वो फॉरेन फिल्म करके सिलेक्ट नहीं हुई है, मेरी फिल्म अभी जो सिलेक्ट हुई है वो अमेरिकन रिलीज़ बेस्ट फिल्म कैटेगरी में है। मेरी ज़िंदगी में फिल्म के अलावा कुछ नहीं है, और मैं इसके लिए मैंने इस फिल्म के लिए मैंने मेरा घुटना तोड़ के लिया है, मेरे घुटने में 2 स्क्रू है, मैंने मेरे बाल काट के लिए, मैंने मेरे से जो बन पाया वो सब कुछ मैंने इस फिल्म को दिया। आज भी मैं मैं कर्जे में हूँ, पर आई रियली लव माई फिल्म। अभी अगले हफ्ते मैं
फाइनली एलए जा रही हूँ ऑस्कर अवार्ड के लिए, और वहाँ पे अभी ये 290 जो फिल्में सिलेक्ट हुई है, तो अभी उनकी वहाँ पे एक तरह की अभी रेस है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा जूरीज को जाके कन्विंस करेगा और उनको यानी वोटिंग करने के लिए मजबूर करेगा, और मेरी फिल्म अच्छी है स्क्रीनिंग के लिए प्लीज़ आओ मेरी फिल्म देखो, ये सब अभी हर कोई कर रहा है। ये मुझे पता है कि ये जो रेस में मैं यानी एक बहुत ही छोटा पीनट हूँ, बट उसके बावजूद मुझे वहाँ पे जाके कुछ अलग करना है और मैं वो करने वाली हूँ और उसके लिए मैंने काम शुरू भी किया है। फिल्म ये है टूरिंग टॉकर्स। मुझे हर जूरी मेंबर को इस फिल्म को टेंट में दिखाना है, वहाँ पे मुझे किसी भी थिएटर में नहीं दिखाना है। मैं अभी यहाँ से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे टूरिंग टॉकीज का एक फ्लेवर उनको देना है कि ये है इंडियन मूवी, ये है हमारी संस्कृति।